अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ असं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ी है ऐसे, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी चेवेंद उन डेफिनेशन आ इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट जैसे सुकून आ रही हालत में आई ट्राइज टू रिमेन इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जैसे तक का बाहरी फोर्स बाहरी कुत अची उनके न हिलाईंदी तेस तक वह सुकून वाली हालत में होंगी, रेस्ट में होंगी, ठीक है, या बीठल होंगी। वरी चे तो सिमिलरली इफ अ बॉडी इज इन मोशन जो भी शरकत में आ तो वह हमेशा हरकत में रही, इट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जैसे तक का बाहरी ताकत उनके अची कर बीहारे नी वह हमेशा मोशन में रही, ठीक थी। हाँ अचों तक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ यो तो चे एफ में मुराद होंगी फोर्स, ठीक है, एफ में मुराद आ फोर्स, हाँ इन जो फार्मूलो आ फार्मूले में समझाया तो एम में मुराद होंगी मास, ठीक है, मास में मतलब होंगी मायो या वजन, तुम इतने सोली सिंधी में हली वजन समझो, ए में मुराद होंगी एक्सीलरेशन, हाँ एक्सीलरेशन में मुराद आ तेजी, ठीक है। हाँ ब शूं बराबर चे तो जैसे कें भी शे फोर्स लगाइंद कें वजन वाली शे एम मतलब मास वजन वाली जै शो मास हो मायो हो या वजन हो उन जैसे तुम फोर्स लगाइंद तो उनके अंदर एक्सीलरेशन पैदा थी तेजी। मैं इन पेन जो मिसाल वहां तो इन मास आ जाहिर गाल वजन आ मास आ मादो आ मायो आ, ठीक है। हाँ मैं इन जैसे फोर्स अप्लाई कदम फोर्स माना मैं ताकत पैंजो जोर कुत इन मत अप्लाई कदम तो थी एक्सीलरेशन पैदा थी, हाँ इन वेलॉसिटी पैदा थी बल्कि चे तो एक्सीलरेशन तेजी पैदा थी यानी फोर्स तुम अप्लाई कदा वो हर सेकंड का स्पीड छी वी वी इन तक एग्जाम्पल लिया तो तुम गाड़ी कार बीठल हो जणा या टे जणा उनके धिको लगाइंदा हो पेरों ऐसो सफा स्लो हलदी पेरे सेकंड में बे सेकंड में उनकी स्पीड वी वी टे सेकंड में अभी वी अगत हली दिसो तो वी पी सेकंड ठीक ठाक स्पीड से हल्दी ठीक ठाक उनके अंदर एक्सीलरेशन पैदा थी वी तुम्हारी फोर्स जो घट लगानी पवी तक इं ही सागो साइकिल में भी पेरों ब टे चार पेडल तक घनी फोर्स हणनी पवी पर एक्सीलरेशन या तेजी उनमें घट पैदा थी जी थोड़ा तुम हणदा वो तक उनकी एक्सीलरेशन छी वी 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 यानी कि उनकी स्पीड हर सेकंड में वी वी टन सेकंड स्पीड दिसद दह किलोमीटर होंगी पंजा सेकंड दिसद तो उनकी स्पीड थी तो वी किलोमीटर पर आर हो, ठीक है, सो हर सेकंड में उनकी स्पीड वी वी सो तो चे वेन फोर्स इज अप्लाइड फोर्स मतलब होंगे कुत या ताकत या जोर फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी में मुराद आ मास वाली बॉडी जिनके अंदर मास हो वजन हो जाहरी गाल जिन मतों बॉडी होंगी तो उन मास या वजन भी होंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तेजी पैदा थी हाँ तो चे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए। अच्छा हाँ चे तो फोर्स वह केतरी हुजन खपे वो चे तो मास एक्सीलरेशन की जरब के बराबर होंगी, ठीक है। जी मिसाल हाँ तक चवन तो एक कार आ, अच्छा तुम इतों इन कैलकुलेशन भी कर सकूता पाया जी मिसाल तक चवन एक कार आ जो वजन आ 1000 kg 1000 kg उनके अंदर वजन आसा उनके अंदर तेजी पैदा कर चाहूँ ता मिसाल ता वो 8 m/s², ठीक है। हाँ गाल समझे तक ब शूं मिलल तेड़ी कड़ी शे मिलल एक मास मिलल ए मिलल आ ए मिलल आ एक्सीलरेशन मिलल आ चे तो एक कार आ जो वजन 1000 kg आ उनमें तुम एतरी एक्सीलरेशन तेजी पैदा कर चाहो तो उन केतरी फोर्स अप्लाई क्यों अस फार्मूलो लिखा ए फिजिकल टू एम इन टू ए, ठीक है। हाँ असें मास डल आ मास जो वजन जो सो या वजन असें घो डल आ 1000 एक्सीलरेशन या तेजी केतरी पैदा करनी है 8 हाँ जरब कदा ये थी 8000 हाँ अच्छा फोर्स जो यूनिट न्यूटन जी ऐसो मास जो यूनिट है kg, ठीक है। एक्सीलरेशन जो यूनिट है पा पढ़ी आया m/s² m/s वेलॉसिटी जो या स्पीड जो m/s² अड़े तरीके से फोर्स जो यूनिट न्यूटन जैसे पा एन से जाहिर कदा 8000 N हाँ ये छे कर एन छो जो न्यूटन यो कायदो दिनो हो इन कर उन यूनिट जो सो फोर्स जो या ताकत जो असा न्यूटन्स में मापींदा ठीक है तो कड़ी गाड़ी केतरा जो सो या कड़ी एक्सीवेटर या कड़ी क्रेन केतरो फोर्स लगाए थी वो असा न्यूटन में 8000 N 5000 N इं हाँ चे तो तक 1000 kg वाली गाड़ी में जैसे एतरी स्पीड पैदा करनी है तो तक 8000 N ताकत की जरूरत पवी तुम मिसाल एक्सीवेटर खड़ी आया एक्सीवेटर हूँ जी खदा खोटरी या क्रेन्स हूँ जो छिकी हाँ उनकी पावर आ या उनकी फोर्स जो है वह 5000 N आ तो तुम समझी वो तो यह इन के न छिके सकती या ट्रैक्टर आ तुम खोड वही कड़ो जैसे 10000 12000 N जो है सो पावर हो तो तुम समझी वो तो ये इन आराम से छिके सो पो सो इन टाइप जो तक कैलकुलेशन भी दई सकता पाया तक ये भी चई सकता वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मैसिव बॉडी मैसिव जो मतलब हों मास वाली एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड दिस लॉ इज कॉल्ड हेटों ऑप्शन
एक्सेलरेशन हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ यो या वरी तक ये सिंपल फार्मूलो डल हों एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए चौदह यो कड़ो न्यूटन्स जो कड़ो लॉ है पेरों आ बो आ टे आ या वरी जी तक न्यूमेरिक डिना तक मास एक्सीलरेशन मिलल हूँ चौदह फोर्स गोले दिखारियो या वरी इन उबतड़ भी थी सके तो पियो तो तक चौदह जो सो एक्सीलरेशन पैदा करनी है यानी कि ए भी मिलल हूँ ठीक है अड़े तरीके से एफ भी मिलल हूँ वो तो कह ए इत रख दो एफ भी रख दो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में यानी कि एम हेडो रखी कर एफ जो इतने होंगी ए जहाँ जरब में हुई वह इत अची वंड थी वेंदी तुम इनकी वंड कौ तक उन मास निकरी ठीक है इन टाइप जो एग्जांपल तो कर दिखारा तो हाँ न्यूटन सेकंड लॉ मुझे चाय तो थदी थे थी मैं चाय पी वा तो वो पा इन चुनाव न्यूटन फर्स्ट लॉ जो अस डिस्कस कर आयासे तो का शे रेस्ट में होंगी तो वह रेस्ट में रही का शे हरकत में होंगी तो वह हरकत में रही ठीक है बो अस पढ़ी आयासे तो जैसे कें भी मास के मतों कें बॉडी के मतों अस फोर्स अप्लाई कदे तो एक्सीलरेशन उनमें पैदा थी वो फोर्स केतरी होंगी वह मास एक्सीलरेशन की जरब के बराबर होंगी उन फार्मूले की सूरत में एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए जो सो जाहिर किया।